सर नमस्कार। नमस्कार, यूपी नाव में आपका स्वागत है। कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं आपके चीनी उद्योग के संबंध में, उनसे आपका जवाब चाहते हैं। आप लोग चीनी निर्यात करने का विचार कर रहे हैं ऐसा पता चला है, क्या योजना है सर? देखिए, उत्तर प्रदेश का अपना जो लोकल खपत है वो लगभग 45 से 50 लाख टन के करीब है। हमने जो हमारा उद्योग है और हमारे जो गन्ना किसान हैं उनकी मेहनत से इस साल 120 लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ है, चीनी का उत्पादन हुआ है। और यह स्पष्ट है कि जब यूपी की खपत 45 से 50 है तो हमारे पास लगभग 70 लाख टन शक्कर हमारे पास अतिरिक्त है, इसीलिए हम लोगों ने उसको निर्यात के रास्ते से बेचने का, बिक्री करने का सोचा है। और इस दिशा में भारत सरकार के कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के मदद से इनको, जो हमारे निकटस्थ देश है भारत के करीब के जो पूर्वी देश है, उनमें इसका बिक्री के संबंध में हम लोग प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जो चीनी बनाता है हर साल, पिछले कुछ सालों से हम 50 लाख मेट्रिक टन के ऊपर बना रहे हैं, तो उसमें हम हर बार जो हमारा सेल होता है, जैसे पश्चिम बंगाल है, उत्तर पूर्वी राज्य है मेघालय और अन्य जो उत्तर पूर्वी राज्य है त्रिपुरा इत्यादि, पश्चिम बंगाल हमारा सबसे बड़ा जहाँ सबसे ज़्यादा खपत होता है, झारखंड है, फिर उसके बाद में दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, उत्तर मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, इन सब राज्यों में उत्तराखंड है, यहाँ पर हम लोग का चीनी बिकता है। लेकिन ये पहले जो चीनी उत्पादन होता था वो इतने क्षेत्र में खपत हो जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि 120 लाख टन का बना है जो अपने में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तो इसीलिए उसको खपत करने के संबंध में एक्सपोर्ट की व्यवस्था पर विचार हो रहा है। तो ये कब तक संभव है, आप कब तक कर पाएंगे, क्या इसके लिए जरूरी जो अनुमतियां हैं वो आपको प्राप्त हो चुकी हैं? हाँ, उसमें हमें अनुमतियों से ज़्यादा अभी जो है हमको काम करना है कि हमें देश चिन्हांकित किया हुआ है वहाँ पर उनसे बिजनेस टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किस तरीके से जाएगा, उसकी मोडालिटी को पे कार्य करना है और इस पर तेजी से कार्य चल रहा है। गन्ना किसानों के लिए क्या तकनीकी सुविधाएं उत्तर प्रदेश देने पर विचार कर रही है? देखिए, हम लोगों ने गन्ना किसानों के लिए पिछले साल एक 8 सूत्री योजना बनाई थी, क्योंकि यह कहना कि गन्ना किसान का हम आय दुगना कर देंगे बड़ा आसान है, बट उसको करना, जमीन पे उतारना बहुत कठिन है। और इसीलिए पिछले एक वर्ष से हम लोगों ने उस 8 सूत्री कार्यक्रम पर कार्य किया, जिसमें उत्पादकता में बढ़ोतरी हो, उत्पादन में बढ़ोतरी हो, लागत में कमी हो, उसके मृदा के उर्वरक शक्ति में बढ़ोतरी हो, इन सब बातों को ध्यान रखा। और उन 8 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाएं हमने चलाई, जिसके आधार पर पिछले वर्ष गन्ना किसानों को अच्छी आय और आमदनी हुई। उसमें फार्म मशीनरी बैंक एक हमने स्थापित करने का है। गन्ना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई नई मशीनें और तकनीकी आई है, जिसका अगर आप प्रयोग करते हो तो आपका उपज भी बढ़ता है, लागत भी कम आती है और आपको दुगना आय की दिशा में आप बढ़ते हैं। दो तीन उसमें से उदाहरण दे दूंगा, क्योंकि पूरा तो बात नहीं कर पाऊंगा। एक है फार्म मशीनरी बैंक, हमने हर सोसाइटी में स्थापित किया, 100 जगह स्थापित हो रहा है। अगले इस वर्ष हम और जो हमारे 90 बचे हैं समितियां उनमें कर देंगे। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि ट्रैक्टर और जो पेड़ी प्रबंधन की नई मशीनें और ये सब नई तकनीकी डेवलप हुई है, उससे किसान को लागत भी कम होता है, उसका श्रम भी कम होता है, क्योंकि मशीन के माध्यम से फटाफट कर लेता है। लेबर अगर नहीं है तो खुद करने में अक्षम है तो मशीन का प्रयोग हो जाता है, उसका खर्चा कम होता है। दूसरा, इसी के साथ ड्रिप इरिगेशन का किया, ड्रिप इरिगेशन में पानी का लागत आधा हो जाता है और फर्टिलाइजर का लागत आधा हो जाता है, क्योंकि आधा फर्टिलाइजर लगता है, क्योंकि ड्रिप में टारगेटेड पानी पहुंचता है गन्ने के फसल में।
तो ये कुछ हमने ये किया है, जैसे फार्म मशीनरी बैंक देना, ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करना, तो एक तरफ तो उसको लाभ भी हो रहा है, उसका इनपुट्स कॉस्ट भी कम हो रहा है, और साथ ही साथ उसको उसका श्रम भी बच रहा है जो अपने अन्य पारिवारिक दायित्वों के लिए निभा सकता है, लाभ में उसका उसको ले सकता है। सर, इस बैंक से किसान कैसे जो उपकरण है वो ले पाएगा, कि कुछ किराया देगा या आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कैसे करेंगे? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो है एक बहुत अच्छा एक व्यवस्था बनाई गई है, उनसे किराया लिया जाएगा जो बहुत ही न्यूनतम होगा, लेकिन वो किराया इतना होगा कि वो मशीन की रख रखाव हो, उसका ऑपरेटिंग खर्चा पूरा हो, और जब वो मशीन का लाइफ समाप्त हो जाएगा तो उसके एवज में हम दूसरी मशीन उस के जगह दे सके। इससे ये कार्य सतत सस्टेनेबल तरीके से चलते रहे, और उस किराए पे वो लेगा और उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलेगा, और जब वो वापरेगा वापस ला के दे देगा, क्योंकि किराया लग रहा है तो मीटर चल रहा है तो वो अपने घर पे पड़े नहीं रखेगा, जिससे दूसरे किसानों को भी त्वरित उसकी उपलब्धता बनी रहेगी। मशीनें कहाँ से मंगाई जा रही हैं? ये मशीनें भारतवर्ष में ही सब बनती है, और ई टेंडरिंग के माध्यम से हर समिति में मंगवा रहे हैं। लगभग 20 मशीनें हमने उन्हें प्रथम चरण में इन लोगों को दे दिया है, हैरो, टिलर, वीडर और इस प्रकार की। पहले 16 मशीन दिए थे, फिर उनमें हम लोगों ने 4 मशीन और बढ़ा दी, तो 20 मशीनें हम दे रहे हैं इंक्लूडिंग ट्रैक्टर। गुण और खांडसारी में भी उत्तर प्रदेश काफी आगे है, इस उद्योग के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, योगी सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश है कि गुड़ को भी प्रोत्साहित किया जाए और खांडसारी इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो गुड़ को तो टोटल डीकंट्रोल कर दिया है यूपी ने, और अब वो उनको जो भी सुविधाएं चाहते हैं तो उनको वो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उनके ऊपर से पहले जो थोड़ा बहुत जो भी कर लगते थे वो सब भी समाप्त कर दिए गए। रहा खांडसारी पे, तो खांडसारी पे एक हम नई खांडसारी नीति लाए हैं, और उसमें पहले 15 किलोमीटर की दायरे में एक खांडसारी इकाई आती थी शक्कर के कारखाने में, उसको घटा के 8 किलोमीटर कर दी है सरकार ने, और इसी के साथ साथ इनका अब लाइसेंस का पोर्टल बहुत जल्दी ही पूरा तैयार हो गया है। वो पोर्टल बहुत शीघ्र ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी के से अनुरोध कर उसको लॉन्च करेंगे, जिसपे जो भी खांडसारी इकाई का एंटरप्रेन्योर है, जो भी व्यवसायिक है, वो उस पर जाएगा, उस पर 2 डॉक्यूमेंट उसको लगाना है, वो 2 डॉक्यूमेंट लगाएगा और ऑटोमेटिक उसको 48 घंटे में उसका लाइसेंस ईमेल से उसको आ जाएगा। ये एक व्यवस्था की है हम लोगों ने जो बहुत शीघ्र लागू होगा। चीनी के विपणन के लिए भी आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या, क्योंकि छोटे छोटे पैकेटों में ग्राहक तक सीधे पहुंचे चीनी, इसके लिए भी कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? ये हम लोग का प्रयास पिछले साल से है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, तो इसलिए उतना तेजी से नहीं कर पाए, लेकिन इस साल शायद हमको इसमें सफलता हासिल होगी। हम लोग रिटेल में भी चीनी के बिक्री के जो बड़े मॉल्स और मार्केट्स और विपणन के चैनल्स है, जैसे जितने कमर्शियल पोर्टल्स है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, इन सब से बात कर रहे हैं, जिससे उनको सीधे 2 किलो 5 किलो के पैकेट्स का हम वितरण कर सके। तो इसके लिए कोई एक अलग यूनिट बनेगी? नहीं, इसमें जो एक मार्केटिंग डिवीजन जो बनाया गया, उसमें एक सेल हम लोग बना रहे हैं यूपी शुगर कॉरपोरेशन में और फेडरेशन में, जो इस पर कार्य करेगा, एक्सपोर्ट्स पे, निर्यात पे और इस प्रकार के अभिनव प्रयोगों पे। गन्ना किसानों के लिए कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं इस अवसर का लाभ लूंगा, अभी खेत पे उपस्थित रहे और उनसे कुछ अभिलेख भी हमने मांगे हैं, जैसे आधार कार्ड और उनका जो राजस्व अभिलेख होते हैं, खतौनी या किसान बही, ये इसके साथ भी उपलब्ध रहे, जिससे समय से उनका त्वरित उनका उनका सर्वे हो जाए, और उनके सामने हो तो पारदर्शी तरीके से उनका सर्वे हो, उनको पूरा का पूरा जितना गन्ना उपज कर रहे हो सर्वे में आ जाए, तो उनका बेसिक कोटा सही निर्धारण हो, उनको समय से पर्ची मिले, इससे अगले साल उनको पेराई में दिक्कत ना हो। सर, ये यूपी से बाहर वाले लोगों के जानने के लिए एक क्वेश्चन है, सर्वे कैसा हो रहा है, क्या करा रहे हैं आप लोग? सर्वे में ये होता है कि कुछ जगह तो हम
हैंडहेल्ड डिवाइस है, कुछ जगह हम मैनुअल सर्वे कराते हैं, वो खेत के चारों जो भुजाएं उनको माप लेते हैं और उससे उसका एकरेज निकाल लेते हैं। जैसे एक प्लॉट है, उसके प्लॉट के चारों पॉइंट्स पे जाएंगे और चारों पॉइंट जाने के चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल करके उसका वो, तो अगर हैंडहेल्ड डिवाइस से जब आप घूमते हो तो वो अपने आप आपको एकरेज दे देता है। और उसमें से प्रिंटर से, जैसे आप देखते हो कि पॉस मशीन से छोटी सी रसीद निकल आती, वैसे ही निकल आएगी। उसी को किसान को उसी वक्त बता दिया जाता कि आपका इतना क्षेत्र जो है रकबा आपका गन्ने का है और इतना आपका गन्ने का एरिया है और उस पर जो भी फसल है उसके हिसाब से उसकी इतनी उपज होगी, इतनी उपज होगी और वो इतना सप्लाई कर सकता है, इतना सप्लाई कर सकता है। ये पूरा का पूरा उस पर निर्धारित हो जाता है। इसीलिए चाहूँगा कि गन्ना किसान इसमें स्वयं ध्यान दें, सर्वे में प्रतिभाग करें, भागीदारी जरूरी है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू।